दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड उत्तराखंडी ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं अम्बेडकर कॉलेज का रिव्यू, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस का कॉलेज है। आने वाले CUET एस्पिरेंट जो भी है, अगर आपका सपना है DU में आने का और दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तो आपके लिए ये कॉलेज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, किस तरीके से कॉलेज का पूरा रिव्यू देंगे। तो फिर मिलते हैं सीधे कॉलेज में। अम्बेडकर कॉलेज इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अंदर की ओर चलते हैं हम, पढ़ दीजिए आप क्रॉस इसको करके जूम करके देख सकते हैं इस तरीके से आप कॉलेज है। हरियाली वगैरह वगैरह पेड़ भी दिखेंगे, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। इस तरीके से कुछ अम्बेडकर की बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से ये हरिया वगैरह ये देख सकते हैं। ये है अम्बेडकर कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस तरीके से बिल्डिंग्स ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से सुंदर, कितना खूबसूरत है। यहाँ से इसका एंट्री गेट है, देख सकते हैं आप अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से है यहाँ पर, देख सकते हैं आप इस तरीके से बढ़िया से ये वगैरह यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना मतलब फील्ड भी तगड़ा है। अभी मैं वहाँ पर दिखाऊँगा आपको ये ना मतलब बढ़िया फील्ड है खेलने के लिए भी, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं तो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अम्बेडकर कॉलेज। ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आपका CUET स्कोर काफ़ी कम है तो भी ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इस कॉलेज में आपको एडमिशन लगभग मिल सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ अम्बेडकर साहब की फ़ोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, मतलब देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ये इस तरीके से बढ़िया से बिल्कुल यहाँ पर पिक्चर्स है कुछ इस तरीके से। ये बिल्डिंग है ये देख सकते हैं आप बढ़िया से, अम्बेडकर कॉलेज की लाइब्रेरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छी है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसमें लिखा है पुस्तकालय, अभी बंद है क्योंकि अभी कोई स्टाफ आया नहीं है लाइब्रेरी का। मैं सुबह आ चुका हूँ यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए, कुछ प्रोग्राम भी है आज यहाँ पर, इसलिए आया हूँ और आपको अच्छे से टूर दे सकूँ, ताकि देख सकते हैं आप इस तरीके से पुस्तकालय है लाइब्रेरी। गाइज ये है अम्बेडकर कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड, काफ़ी बड़ा है देख सकते हैं आपको जिस तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छा सुंदर है। हरियाली भी देख सकते हैं आप इस तरीके से, बच्चे खेल भी रहे हैं कुछ इस तरीके से, बढ़िया है मतलब अगर स्पोर्ट्स के लिए। ये है नॉर्थ ईस्ट सेल, अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए अलग से सेल बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, अभी ये भी बंद है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए भी इस कॉलेज में। अब हम आपको ले चलते हैं कैंटीन की ओर, है कुछ कैंटीन का एरिया, यहाँ से आपको दिखेगा रास्ता कैंटीन का, ये देख सकते हैं ये कुछ कैंटीन है, अच्छे से दिखाता हूँ मैं, ये कैंटीन है देख सकते हैं आप इस तरीके से, काफ़ी हाइजीनिक फूड मिलता है यहाँ पर। अभी खुल चुकी है कैंटीन भी, देख सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ पर फूड वूड की भी व्यवस्था है, हाइजीनिक फूड काफ़ी अच्छा। अगर आपको भूख लगती है तो दिन में सुबह यहाँ पर नाश्ता और लंच कर सकते हैं आप, देख सकते अच्छे से काफ़ी फैसिलिटी है इस तरीके से। यहाँ पर पेड़ हेड भी मिलेंगे काफ़ी एयर के लिए। अम्बेडकर कॉलेज का खेल विभाग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अच्छे देख सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कुछ है यहाँ पर, और फील्ड भी है और अलग से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ से ऊपर के लिए एंट्री है, दो मंजिली में है ये, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है। हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के अंदर, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये यहाँ की कुछ लाइब्रेरी है देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और मैं आप ले चलता हूँ आपको दूसरी साइड की ओर, इस तरीके से कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी का सिस्टम है इस तरीके से। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक कुछ और, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए अलग से सेल है, उसी प्रकार यहाँ पर PWD स्टूडेंट के लिए भी अलग से सेल है, देख सकते हैं आप। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल डिपार्टमेंट एबल्ड स्टूडेंट्स PWD, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से सेल है यहाँ पर, देख सकते हैं अलग से रूम है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में है, उसी प्रकार यहाँ से भी है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और अंदर दिखाऊँ मैं आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पर AC भी लगी हुई है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। अब बात करते हैं इस कॉलेज की स्थापना के बारे में। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1991 को, दिल्ली सरकार ने इसे बनाया था यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 4.02 LPA, काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर
जिस हिसाब से कॉलेज है उसकी बात करें तो, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ लाइब्रेरी है, अलग से सेल है जैसे PWD सेल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए अलग से सेल है, और काफ़ी स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम टाइप में, मतलब कि फील्ड बड़ा है काफ़ी अच्छा। और भी ब्लॉग में बने रहिए, क्या क्या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी भी है और आगे क्या क्या है करके हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं अब कॉलेज की पार्किंग, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रुकी हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉलेज की पार्किंग है। और यहाँ पर फिर ये पेड़ हेड़ वगैरह लगे हैं अच्छे से, इधर से फिर ये आता है कुछ इस ये साइड का एरिया, ये कॉलेज की बिल्डिंग देख सकते हैं आप इस तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब वातावरण यहाँ भी, पेड़ पौधे खूब हैं, हवा हवा वगैरह मिलती रहेगी आपको, डेढ़ की गर्मी से राहत, कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारा है। बैठ चुका हूँ ऑडिटोरियम में, देख सकते हैं आप इस तरीके से, मेरे पीछे की सीट काफ़ी खाली है अभी तो। हाँ, आज का ब्लॉग यहीं तक, जैसा कि आपने इस ब्लॉग में देखा, हमने अम्बेडकर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली का रिव्यू किया, कितने सारी फैसिलिटीज यहाँ पर बताया। तो हाँ, आप कमेंट करना कि आप नेक्स्ट ब्लॉग किस कॉलेज पर चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।